टेबल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब एचपी सेक्रेटरी का एग्जाम भी आ चुका है, तो उसको लेकर जो है हमने एक नया बैच शुरू किया है। और दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आज हम उसका लास्ट ईयर जो हुआ एग्जाम था लास्ट ईयर में, तो उसके कुछ क्वेश्चन है आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सेशन की दोस्तों, और सबसे पहला जो प्रश्न है कि इनमें से आप बताएं कि विच इज द पोर्ट टाउन, तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उनमें से कौन सा जो शहर था जहां पर दोस्तों पोर्ट था, मतलब जो जब जहां पर हम तट बोलते हैं जहां पर जो शिप्स वगैरह आ जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बी लोथल, जो कि आज के गुजरात में जो है पड़ता है, और कहा जाता है कि यहीं से दोस्तों जो है ट्रेडिंग भी की जाती थी दूसरे देशों तक, है जो जहाज आया करते थे और जहाज जाया भी करते थे। फिर दूसरा जो प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न है कि जो महावीरा जी थे, जो दोस्तों जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो ओरिजिनल नेम जो उनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था, तो अरिहंस, दूसरा है निर्ग्रंथ, जैन या कैवलिंस। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द सी ऑप्शन, इनके जो जो फॉलोअर थे इनके जो भक्त थे उनको जैन के जो नाम से या जैनास के नाम से वो पुकारा जाता था जी। फिर चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ जी, तो तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि जो मौर्यास थे, मौर्यस थे, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं मैं, अशोक की बात कर रहा हूं, तो इनका आखिरी जो राजा था वो कौन हुआ करता था जिसके बाद मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन, बृद रथ जो है इसका नाम था दोस्तों, जिसके बाद है मौर्यंस जो ये जो डायनेस्टी थी इंपीरियल डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। फिर 74th जो क्वेश्चन है वो है कि दोस्तों एंशंट टाइम पीरियड में जो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जो है शहरी केंद्र था उस टाइम पीरियड पे, दोस्तों हम कहते हैं कि महाजनपदास का जो टाइम पीरियड था और उनमें जो शहर थे, जैसे खास तौर पे हम मगधा की बात करते हैं तो बड़े सारे उसमें शहर थे, तो कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर है कि जो दोस्तों हम मगधा की बात करते हैं जिसको आज हम बिहार बोलते हैं, उसकी जो राजधानी है पाटलिपुत्र ही इस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अर्बन सेंटर के रूप में उभरा और हर तरह के बिजनेस में है ये काफी आगे था अपने कंटेम्प्रेरी शहरों से। फिर अगला जो प्रश्न है कि दोस्तों एंशियंट टाइम पीरियड में ही, काफी मुश्किल क्वेश्चन है कि फॉरनर्स को जो है, हालांकि मैं बता दूं फॉरनर्स की डेफिनेशन अलग थी, वहां पर किसी दूसरे देश को नहीं दूसरे कल्चर के जो लोगों को भी फॉरनर्स कहा जाता था, तो कौन सा वर्ड यूज किया जाता था, इसका जो सही उत्तर है दैट इज द यवना। तो दोस्तों यवन या यवना जो है इसके लिए वर्ड था फॉरनर्स के लिए। फिर उसके बाद 76th जो क्वेश्चन है, नवीन तकम, नवीन कितम जो है ये किससे संबंधित जो है शब्द है, दोस्तों ये जो शब्द है जुड़ा है हमारी मेडिसन से, हमारी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा ये वर्ड है जिसको नवीनी तकम जो है उस टाइम पीरियड में हमारे एंशियंट टाइम पीरियड में कहा करते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इनमें से लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया कौन रहा है, तो अगर हम भारत के एंशियंट टाइम पीरियड को पढ़ें तो अगर हमें सिर्फ हायरार्की ही याद होगी तो उसमें भी हम आराम से इसका उत्तर दे सकेंगे, जिसका उत्तर है जी हर्ष, या फिर इसको हम हर्षवर्धना भी बोल देते हैं दोस्तों, हर्षचरिता जिनकी जो बायोग्राफी है जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी। फिर हमारा 78th क्वेश्चन है कि लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी उत्तर भारत की, यहाँ पर पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत की जो लास्ट जो है ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी है वो हुआ करती थी गुर्जरा प्रतिहारास, तो इसके बाद कोई भी उतनी महान या उतनी शक्तिशाली नहीं हो पाई जितनी लास्ट में गुर्जारा प्रतिहारा हुआ करती थी। फिर 79, ये जो चतुर्भुज टेम्पल है खजुराहो में, तो इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो यशोवर्मन जो राजा था उसने अपने टाइम पीरियड में इसका निर्माण कराया था, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनमें से कौन से सूफी ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, तो कादरी ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर, सुहारवादी ऑर्डर या फिर नक्शबंदी ऑर्डर, तो इसका सही उत्तर है चिश्ती ऑर्डर से ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जुड़े हैं, और इन्हीं की याद में या इन्हीं के नाम से जो है जब जो दोस्तों हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया था इन्हीं के नाम से उसका नाम भी जो है कुतुब मीनार रखा गया था, जिसके जो कंप्लीशन है बाद में अलीउद्दीन चिश्ती ने कराई थी। फिर
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रूलर जो जो दोस्तों वी डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट, मतलब अपनी किसी भी जो है विजय के लिए, मतलब किसी भी तरह से जो है उसने कोई नया जो किसी भी तरह का वॉर, किसी भी तरह की जो जीत है प्राप्त नहीं की थी। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द बलबन। तो डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट, मतलब जो उससे पहले के लोगों ने जीत लिया था उसके आगे वो अपना राज्य नहीं बढ़ा पाया या उसको बढ़ाना नहीं ही नहीं चाहता था। फिर उसके बाद वेयर वर द शिप्स बिल्ड फॉर ट्रेड, इनमें से कहां पर जो है भारत में शिप्स जो है व्यापार के लिए बना करते थे। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज द, ये जो दोस्तों मालदीव आइलैंड्स हैं यहाँ पर ये सारे के सारे जो शिप्स हैं उस टाइम पीरियड में बना करते थे, और जिससे कि क्योंकि हवाई जहाज तो नहीं हुआ करते थे तो एक देश से दूसरे देश तक जाने का जो जरिया था वो ये शिप्स ही हुआ करते थे। फिर उसके बाद 83, इनमें से कौन सी पहली रूलिंग डायनेस्टी है विजयनगर जो से जुड़ी हुई। तो विजयनगर से जुड़ी हुई पहली जो डायनेस्टी दोस्तों संगम डायनेस्टी, सलुवा या फिर अरावीदु या तुलुवु डायनेस्टी। तो इसका जो सही उत्तर है विजयनगर की पहली रूलिंग डायनेस्टी संगम डायनेस्टी बोलते हैं, और संगम इसका जो नाम जो है इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो तमिल पोएट्स हुआ करते थे वो बड़े मशहूर थे, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा था उस टाइम पीरियड में, और उनकी जो जो इकट्ठे बैठ के वो किसी भी तरह का मंच जो बनाया करते थे उस टाइम पीरियड को, उस जगह को संगम बोलते थे। इस वजह से इतिहासकारों ने इसका जो नाम है वो संगम रखा है। फिर उसके बाद जो है एम्परर स्टॉम्प्स इज आउटसाइड इंडिया, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर स्टॉम्प्स इज आउटसाइड इंडिया, इनमें से कौन सा जो सम्राट है जिसका मकबरा भारत से बाहर है जी। और इसमें अकबर है, औरंगजेब है, शाहजहां है और जहांगीर जो है इसका उत्तर दोस्तों जिसका जो मकबरा है भारत में नहीं है। इसके अलावा शाहजहां, औरंगजेब, अकबर इन सभी के मकबरे हैं वो भारत में ही है। फिर जो जो शिवाजी की जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं दोस्तों जो है सबसे लंबा जो जो कॉन्क्वेस्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा सैन्य अभियान किसके खिलाफ चला, कोंकण के खिलाफ, कर्नाटका, तंजोर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका के खिलाफ जो है लंबा अभियान चला और काफी समय लगा इन्हें इसे प्राप्त करने में। फिर भारत का वो रूलर जिसने इंग्लिश को डिफीट किया दोस्तों इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यहाँ पर जो है रणजीत सिंह के साथ, तो जो है लास्ट में जाकर उसकी दोस्तों मौत के बाद ही लड़ाई हुई सिखों के साथ, हैदर अली, टीपू सुल्तान या महादजी सिंधिया। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के जो पिता थे उनके साथ जो जो लड़ाई हुई थी उनमें जो है उनको विजय प्राप्त हुई हैदर अली को। फिर हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह, तो बहादुर शाह का जो गवर्नर है इनमें से किसने डिक्लेयर किया, तो उसका सही उत्तर है खान बहादुर खान जी ने। और 88 दोस्तों पहले जो लीडर हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनकी काफी प्रख्यात मतलब पॉपुलैरिटी हुई, इसका जो सही उत्तर है वो है डब्ल्यू सी बैनर्जी। मतलब 1985 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने स्थापना की थी और बॉम्बे में सेशन हुआ था इसका, तो पहले जो प्रेसिडेंट के तौर पर डब्ल्यू सी बैनर्जी जो है वो प्रेसिडेंट बने। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं कांग्रेस से जुड़े हुए 85 का ये जो प्रेसिडेंट है, इसके अलावा पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बबरुद्दीन तैयब जी, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट दोस्तों युल जो है कहा जाता था, फिर उसके बाद जो है चाहे हम बात करें हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की दादा भाई नेहरू जी की, इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो इसके प्रेसिडेंट बने हैं और सारे के सारे सेशन इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं 85 से लेकर 47। फिर उसके बाद गांधी जी ने कितने जो फॉलोअर्स के साथ है दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी, जिसे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोल देते हैं। तो इसका सही उत्तर है 78 जो है लोग थे इनके साथ गए थे। और हमारा जो लास्ट जो प्रश्न है कि जो कांग्रेस सेशन जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी दोस्तों, उसका सही उत्तर है नागपुर सेशन। दोस्तों इसके साथ आज का ये जो सेशन है जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन प्रश्नों से जुड़े दोस्तों अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हर रोज जो है इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल जो है सिविल स्टैप हिमाचल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।